नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस वर्ष 28 अगस्त 2017 को सोमवार के दिन मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधि विधान है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। जानते हैं संतान सप्तमी व्रत का महत्व। संतान सप्तमी व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवी और वसुदेव ने कंस से अपने संतानों की रक्षा के लिए लोमेश ऋषि के कहने पर संतान सप्तमी व्रत रखा था। यह राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले पड़ता है, इसलिए इसे ललिता सप्तमी भी कहते हैं। देवी ललिता राधा जी के 8 प्रमुख सखियों में से एक है। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी होने के कारण यह दिन उनको समर्पित किया गया है। यह एक बहुत ही शुभ दिन है और काफी महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि सप्तमी व्रत की विधि क्या है। सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया अपने संतान के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातः काल में स्नान और नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, सुपारी और नारियल आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नवेद के रूप में खीर, पूरी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है और बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो संतान की रक्षा और उन्नति के लिए किया जाता है ये संतान सप्तमी का व्रत। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।